सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजनीति और सच को, और साथ में ये घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको मिले हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। सोशल मीडिया पर तीन वीडियो शेयर हो रहे हैं। वीडियो में जेसीबी मशीन के सहारे ओप्पो और वीवो के होर्डिंग्स तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि ये होर्डिंग चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हुए तोड़े जा रहे हैं। तो आखिर क्या है क्रेन की मदद से उतारे जा रहे बैनर होर्डिंग वाले वीडियो का सच, आइए आपको बताते हैं। दुकानों के ऊपर ओप्पो और वीवो के होर्डिंग लगे हुए हैं। आसपास कुछ लोग खड़े हैं। वहीं एक जेसीबी मशीन से वीवो मोबाइल फोन की होर्डिंग तोड़ी जा रही है। सड़क पर वहीं खड़े दिख रहे लोग शायद उन होर्डिंग्स को उतारने के लिए वहां खड़े हुए हैं। चेक शर्ट में नजर आ रहा एक शख्स उंगली दिखाते हुए होर्डिंग की तरफ इशारा कर रहा है। लोगों के साथ एक पुलिस वाला भी दिखाई दे रहा है। वीवो की एक होर्डिंग तोड़ने के बाद दूसरी होर्डिंग भी तोड़ दी जाती है। एक मिनट 15 सेकंड के इस वीडियो में सड़क किनारे दुकानों पर लगे होर्डिंग टूटते हुए दिख रहे हैं। इनमें वीवो, ओप्पो, सैमसंग जैसी कंपनियों के होर्डिंग तोड़े गए हैं। वीडियो में 36वें सेकंड में एक जगह बहुत से लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी होर्डिंग तोड़ी जा रही है, लेकिन अब भी कई होर्डिंग लगे हुए हैं। यानी सभी होर्डिंग्स को तोड़ा नहीं गया है। नोकिया और दूसरी स्थानीय दुकानों के होर्डिंग वहीं लगे हुए हैं, जबकि वीवो और कई मोबाइल फोन के होर्डिंग उतार दिए गए हैं। वीडियो बनाने वाले की आवाज भी वीडियो में सुनाई दे रही है। ओप्पो शोरूम वो भी गया, क्या बात है। यहाँ आपको बता दें कि जिन कंपनियों के होर्डिंग तोड़े गए हैं उनमें से ज्यादातर का रिश्ता चीन से बताया जाता है। वीडियो आगे बढ़ता है तो रास्ते में कुछ और होर्डिंग्स उतारते हुए दिखाया गया है, तो कहीं उन्हें उतारने का काम जारी है। एक मिनट 5 सेकंड के बाद होर्डिंग उतार रही जेसीबी मशीन फिर से नजर आती है। तीसरा वीडियो 42 सेकंड के इस वीडियो में सभी होर्डिंग तोड़े जा चुके हैं। जमीन पर दुकान से उतारी हुई होर्डिंग्स का ढेर लगा हुआ है। आसपास लोगों की भीड़ जमा है। काली जैकेट और लाल कमीज में दिख रहे शख्स शायद बची हुई होर्डिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ दूरी पर दिख रही जेसीबी मशीन की मदद से एक हरे रंग की होर्डिंग को तोड़ा जा रहा है। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, वीडियो के साथ सोशल मीडिया में एक मैसेज भी चल रहा है। इस मैसेज में चीन को करारा जवाब देने का दावा किया जा रहा है। मैसेज में लिखा है, भारत को आंख दिखाने वाले चीन को पुणे के लोगों ने करारा जवाब दिया है। पूरे शहर से चाइनीज कंपनियों के होर्डिंग व बोर्ड गायब। अब नहीं होगा चाइनीज ब्रांड्स का प्रचार। चीन के लिए नफरत कहें या देश के लिए प्यार, फेसबुक ऐसे वीडियो से पटा पड़ा है। व्हाट्सएप पर भी ऐसे वीडियो और मैसेज जोरों से भेजे जा रहे हैं। लोग इन वीडियो के जरिए चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं और पुणे वासियों की पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई पुणे में ऐसा कुछ हुआ है? क्या वाकई पुणे में चाइनीज सामान के होर्डिंग्स जेसीबी मशीन से तोड़े गए हैं? कहीं ये किसी अवैध निर्माण को हटाने का अभियान तो नहीं, या फिर ये नगर निगम की कोई और कार्रवाई तो नहीं जिसे चाइनीज सामान के बहिष्कार से जोड़कर पेश किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज की वायरल सच टीम ने पड़ताल शुरू की। वायरल वीडियो के साथ जगह का नाम भी बताया गया था, इसलिए हमने पुणे पहुंचकर सच जानने की कोशिश की। पड़ताल में पता चला कि ये वीडियो पुणे के पिंपरी कैंप मार्केट का है। ये पता चलते ही हम पिंपरी कैंप मार्केट के लिए रवाना हुए। हमने देखा कि मार्केट में कई ब्रांड्स के होर्डिंग हटाए गए हैं, जिनमें ओप्पो, वीवो, सैमसंग जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। लेकिन कई दुकानों के ऊपर अब भी ओप्पो और वीवो जैसी चाइनीज कंपनियों के होर्डिंग लगे हुए दिख रहे थे। सवाल ये था, अगर बहिष्कार करते हुए चाइनीज ब्रांड्स के होर्डिंग तोड़े गए तो आखिर कुछ दुकानों के ऊपर होर्डिंग अब तक क्यों लगे हुए हैं? हमने वहां मौजूद एक दुकान के मालिक से सवाल किया कि सोशल मीडिया में आपकी मार्केट में हुई होर्डिंग्स की तोड़फोड़ का वीडियो
चीन के सामान के बहिष्कार के तौर पर दिखाया जा रहा है। क्या सच में होर्डिंग्स चीनी माल के विरोध में हटाए गए? तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। ये इलीगल की वजह से सब लगे हुए थे जो, और इससे पहले हम लोगों को नोटिस भी दिया गया था, ये आपके सब बोर्ड इलीगल हैं, इसके ऊपर आप देखो आके बात करो, लेकिन कोई गया नहीं। अभी से चीन के ही तो ज़्यादा आ रहे हैं और वही कस्टमर खरीदता भी है, ओप्पो वीवो जैसे ये सब है, सैमसंग चल रहे हैं तो बिक रहे हैं सर। स्थानीय दुकानदारों की माने तो वीडियो में टूट रही होर्डिंग्स के पीछे भारत चीन विवाद या चीनी सामान के बहिष्कार का मुद्दा नहीं था, पर किसी को ये लग सकता है कि चीनी सामान बेचने वाले दुकानदार अपने खिलाफ गवाही क्यों देंगे। इसलिए अपनी पड़ताल को पुख्ता करने के लिए हम पिंपरी कैंप के नगर निगम ऑफिस में सह आयुक्त योगेश कडुस्कर के पास पहुंचे। उन्हें होर्डिंग्स तोड़ने की कार्रवाई पर हो रहे चीनी विरोध के दावे की जानकारी दी तो उनका क्या कहना था आप भी सुनिए। सत्यहीन है, जो कार्रवाई जो हमने की थी वो बाय लॉ बाय रूल जो हमें करना चाहिए था वो की थी। उसमें जो अभी चाइना भारत और चीन के बीच में जो संबंध है, तनावपूर्ण संबंध है, उसके बारे में उसका कोई भी संबंध नहीं है। ये जो पालिका की रूटीन कार्रवाई थी और उसके अकॉर्डिंग में हमने सिर्फ जस्ट जो 244 के एमएमसी एक्ट 244 के तहत जो कार्रवाई करनी थी वो हमने की। पिंपरी कैंप नगर निगम ने 7 जुलाई 2017 को कार्रवाई की थी। बिना इजाजत लगाए गए बोर्ड और होर्डिंग्स को हटाया गया था। इन कंपनियों के होर्डिंग्स के लिए विज्ञापन टैक्स नहीं भरा गया था। नगर निगम ने 3 महीने पहले ही दुकानों को नोटिस जारी किया था। कार्रवाई का चीन और भारत के बीच चल रहे विवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पड़ताल में वीडियो सच्चा है, पर उसके साथ सोशल मीडिया में किया जा रहा चाइनीज सामान के तोड़फोड़वादी बहिष्कार का दावा झूठा साबित हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।